लाइट्स कैमरा एक्शन बाबा की चौकी स्टार्ट। बाबा अरे हाय हेलो हाय हाय आपने अपना फार्म हाउस कहाँ जंगल में ले लिया? मुझे इतना टाइम लगा इसको ढूंढने में और इतने जानवरों की आवाज आ रही थी, पता है? जानवरों की आवाज आ रही थी, डर लगा। हाँ भाग भाग के आई मैं। अरे रुक जाओ, जिन्हें तुम जानवर समझ रही थी वो एक्चुअली हम दोनों थे जो आवाज निकल रही। अरे डर के मारे भाग रही थी बाबा। क्या बाबा समझ रही थी बाबा? लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो ना तुम लोगों? नहीं नहीं, फार्म हाउस का क्योंकि बाहर बहुत पोल्यूशन चालू है, स्पेशली इन दिल्ली। दिल्ली हाँ, स्टे अवे फ्रॉम पोल्यूशन एंड लाइफ इज योर्स, इसलिए वी हैव फार्म हाउस इन दिस फार्म। बाबा बैठे जंगल बैठे बैठे प्लीज। थैंक यू बाबा। वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है बाबा की चौकी, ओनली ऑन एमटीवी बीट्स। और आज हमारे साथ आए हैं कुछ खास मेहमान, उनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं दूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, दे आर नन अदर देन रितेश रॉक्स एंड सिड। क्लैपिंग रॉक्स इज अपना रॉक्स मालूम है। अब आजकल फरहान कैसा है? फरहान इज वेरी नाइस, अच्छा लड़का यार, बॉक्सिंग अच्छा। चालू है तूफान उसका बॉक्स। हां तूफान फरहान नहीं, उसकी बॉक्सिंग फिल्म का नाम तूफान। तूफान हां तूफान के लिए आपकी बात होती है सभी 100% अभी करने का क्या? हां बात करो, एक मिनट जरा नंबर लगाता हूं। अच्छा अच्छा, अरे अरे तो हॉटलाइन है। हेलो हां फरहान, छोड़ना दो मिनट बॉक्सिंग, एक मिनट। हाँ रितेश रक्स एंड सिड मर जावा। एक मिनट, सिड वांट्स टू हैव अ वर्ड विद। ठीक है सर, वहीं से बात कर रहे हैं। अरे वाईफाई वाईफाई पे। अच्छा वाईफाई। हाँ फरहान से बात है। हाय फरहान। हाय 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 सिड, हाउ आर यू डूइंग? गुड गुड मैन, हाउ इज योर फिटनेस गोइंग? या सुपर यार, आई सॉ योर ट्रेलर। अच्छा मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ट्रेलर में तारा के पेट में गोली मारते और मुंह से खून आता, ये कैसे कर लिया आप लोगों ने? फरहान को बताओ कि पहले टेक में मुंह में गोली मारी थी तो पेट से खून आया। रितेश टेक टू सुपर वेरी नाइस एंड डैडी आल्सो। अरे क्या बोल रहे हैं? अरे बेटा कैसे हो सीधा? I've seen your trailer, it is full of intricacy and intricacy. If you want, I can write the script for the next film of the film. Sir, of course, it'd be great. All the dialogues will be from my head to your acting skills. Please do follow. And Farhan ko thoda sa ek minute baad. Siddharth, I think he's thoda busy hai. Main kaam karta hu. I'll connect with you later. It's okay. Okay, okay, thanks. Give my love to Ritesh and Rux also. Yes, lovely. Okay, okay. Peace out. Okay, yeah. Peace out. Wow, kya baat hai, outstanding. Thank you. Nahin, arre, kya sir? Dekha kya body, dekha kya? Udhar se hi direct aisa. Arre, fitness is very important in life. बोलो ना तो क्या आप बोलो फिट लग रहे हो? आपने ये सिटी लाइफ छोड़ के अभी जंगल में कितने दिन रहने वाले? इतना धुआं है इधर सिटी विटी में यार। आपने धुआं छोड़ दिया सब? अभी खाली धुआओं पे जीने का। नो धुआ, ओनली धुआ। धुआ वो आज देखो, धुआ में याद रखना, धुआ में याद रखना। अपना पिक्चर को करते क्योंकि सिद्धार्थ जी ने मर जाओ छोड़ के बाकी सब मैंने फरहान को फोन किया, तूफान यूफान के बारे में पूछा, लेकिन मर जाओ का क्या? रितेश क्या है आपका किरदार इस बारे में और इस फिल्म का सारांश क्या है? सारांश इज अ न्यू वर्ड पिक्चर। लास्ट टू नाइट्स आई वाज सारांश के लिए अनुपम जी से बात करनी पड़ेगी। आप बात करवा सकते हैं? नहीं, इसका ब्रीफ क्या है पिक्चर का? ब्रीफ पिक्चर का स्टोरी क्या है? मतलब मर जावा दो तीन लोगों की कहानी है, रघु और विष्णु जो हम दोनों प्ले कर रहे हैं, और इन दोनों के बीच में मेरे पिता के वजह से कॉन्फ्लिक्ट है जो एक बहुत बड़े उस इलाके के डॉन है। फिर सिद्धार्थ की लव स्टोरी है, उसमें क्या उथल पुथल मेरे वजह से होती है, उनका प्यार किस तरह, बट मोर देन दैट मुझे लगता है एक ट्रिब्यूट है 90s के सिनेमा को। अरे क्या फाइटिंग है बाबा, फाइटिंग का बहुत जरूरत है पिक्चर में। व्हाट टाइम होगा फाइटिंग देखा ही ना? जिस तरह आप 20-20 लोगों को पेलते थे ना, उसी तरह ये भी पेल रहे बाबा। आपके नक्शे कदम। थैंक्स सर, दिस इज लव।
लव। और क्या बाबा, मैं भी आपके नक्शे कदम पे चला। आपने खलनायक की थी, मैं इस फिल्म में खलनायक। हर कहानी में एक नायक होता है, एक खलनायक होता है। जी हाँ, रिकॉल ऑफ द ओल्ड फिल्म। ये पिक्चर में रितेश 3 feet tall दिखाया जी। तो क्या क्या फायदे लगे आपको 3 feet के होने के? फायदे और नुकसान, और फायदे दोनों। फायदा यही है कि सारी दुनिया सर झुका के बात करती है आपके सामने। दिस इज द विटी आंसर। फिर एसएल वर्ल्ड में बच्चों के राइड्स में फ्री जा सकते हो, हाइट के बच्चों के राइड्स में फ्री जा सकते बहुत सारे। और एंड गर्ल्स आल्सो फाइंड यू क्यूट ऑलवेज। करेक्ट। तो हाइट कम होने का फायदा तो अपन ने जीरो पिक्चर में देखा, शाहरुख खान का, कटरीना का। वी ऑल अभी कैसा आजकल स्टोरी लगता है जी, हम लोग के टाइम पे खाली एक ही स्टोरी होता था, हीरो हीरोइन प्यार करते एक दूसरे को और हीरोइन का बाप तैयार नहीं जी। तो जब हम लोग के टाइम पे हम लोग ऐसा स्टोरी डिस्कस नहीं करते थे, प्रोड्यूसर आता था, डायरेक्ट शूटिंग चालू करते थे। नाउ द एरा हैज चेंज्ड। बाबा लकी थे आप, बहुत वेरी लकी। तो क्या होता, उधर जाके हम लोग स्टोरी ऐसा बनाते थे कि ना मैं चल के नहीं आऊंगा, तुम लोग चल के आओ मेरे पास। मतलब डिफरेंट चेंजेस इन द फिल्म वी यूज्ड टू मेक, बट स्टोरी यूज्ड टू बी द सेम। एक ही स्टोरी को बार बार अलग अलग तरीके से, ये भी टास्क है। टास्क। मैं अभी कुछ सब्जियों के नाम लूंगा जी। आपको कौन से एक्टर का याद आता है मेरे को बोलना? सब्जी से। सब्जी क्या बात। पहले आप अपने आप में बता दो कि विच सब्जी डू यू फील सिद्धार्थ, विच सब्जी डू यू फील रक्स, विच सब्जी रक्स फील्स अबाउट रितेश, and which sabzi I've never seen them like a vegetable. No, but now this is the chance I'm giving you. अच्छा मुझे लगता है, मैं बोलता हूँ रकुल, रकुल like हरी मिर्ची, वो दिख भी रही हरी मिर्ची की तरह, hot and spicy. Too witty. अरे हाँ witty, with of course. फिर भी तो रितेश जी, सिद्धार्थ जी क्यूकम्बर की तरह कूल है, क्यूकम्बर है वो काकड़ी होती है ना, ऐसी लंबी वाली, लंबी वाली काकड़ी। रितेश इज लाइक आलू, आई थिंक हर किसी के साथ घुल मिल जाते हैं बहुत आसानी से, विट्टी हर मसाले, वेरी विट्टी। पिक्चर का गाना के बारे में मैं बताना थोड़ा। एक गाना बहुत ही जबरदस्त अपने को दिल में छू गया हो। कौन सा बाबा? तुम ही आना। तुम ही आना, किसी और को मत भेज। तुम ही आना। क्या हम वो प्ले करें अभी? बिल्कुल, प्लीज प्ले कर, प्लीज। करो ना अपना। नाचने का है अब। आपका आपका स्टेप, आपका स्टेप आप जो डिसाइड करो। स्टार्ट। ये क्या बाबा, ये क्या? वायलिन। वेरी नाइस, हार्ट टचिंग, स्वर्लिंग सॉन्ग ऑफ माय लाइफ। अभी एक सवाल मन में आ रहा है कि मर जावा पिक्चर देखने जाने से पहले तक जी लोगों को कैसा याद रहेगा, इसलिए वी हैव स्टार्टेड टू आस्क यू एक मर जावा का आसन बताओ। मर जावा आसन, मर जावा आसन, जावा आसन, आई थिंक वही ये वाला आइकॉनिक शॉट जो हाँ, मर जावा का है, वो पेट में गोली के पान आता है, ये खून आता है। तो आप गोली के आवाज हम आसन देते हैं। हाँ, मैं गोली का आवाज से आवाज चलानी है आपको। डोंट शो माय फेस। कौन सा बंदूक का निकले आपको सब पता है? आपको कौन सा वैरायटी? पिस्टल। बरेटा? बरेटा चलेगा, कोल्ड भी चलेगा। Let's go!